चार धाम यात्रा उत्तराखंड के बेरोजगार लोगों के लिए रोजगार की एक संजीवनी की तरह है, लेकिन इस बार गढ़वाल मंडल विकास निगम के ही हजारों टेंट लगने से वहां के लोगों को दुकान चलाने के लिए स्थान ही नहीं बचा है, जिससे रोजगार पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। चार धाम यात्रा में गढ़वाल मंडल विकास निगम ने इस बार हजारों टेंट लगा दिए हैं। इन टेंटों के लगने से निगम ने ही आधे से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है, जिसमें वहां रहने वाले बेरोजगार लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। इस दौरान व्यापारियों में काफी नाराजगी है। व्यापार संघ के अध्यक्ष चंडी प्रसाद ने कहा कि बेस कैंप से लेकर घोड़ा पड़ाव तक निगम ने टेंट से कब्जा कर लिया है। इस बात से दुकानदारों के रोजी रोटी पर संकट आ गया है। यदि प्रशासन 7 दिन के अंदर इन टेंटों को नहीं हटाता है तो सभी व्यापारी धरना प्रदर्शन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। अपने व्यापारियों के कहने के अनुसार जो हमारा यहाँ पे रुदा पॉइंट है, यानी कि घोड़ा पड़ाव भी यहाँ पे, तो आप लोगों के आग्रह से हम व्यापार संस्था के समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर आए और यहाँ पे आके सारे लोग यहाँ पर जब इकट्ठे हुए तो पता लगा कि यहाँ पे हमारी रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे जो गढ़वाल निगम है उसने, मुझे तो लगता है कि आधे केदारनाथ से ज़्यादा पे उसने अतिक्रमण उसने जमा दिया है। मैं शासन प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि जो आप गढ़वाल निगम के लिए इतनी जो है स्वतंत्रता आप लोगों ने टेंट लगाने के लिए दे रखी है, यह किस बेस पर दे रखी है, जबकि आपका स्थानीय खासकर जो ऊँची पर तहसील के लोग हैं वो अभी यहाँ पर दर दर भटक रहे हैं। उनके पास यहाँ पर रहने की जगह नहीं है, उनके पास यहाँ पर दुकान नहीं है। जो थोड़ी बहुत जगह यहाँ पर बची हुई थी वो जगह बाहर बाहर के लोग यहाँ पे आकर के उन्होंने घेर रखी है। जितने भी मैं पे यहाँ पे दिखा रहा देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारे ही हमारे जो तहसील मुखी पर जिसको की मर्यादा प्राप्त होनी चाहिए थी, जो पहले से यहाँ पे व्यापार करते हुए आते थे, ये आज दर दर भटक रहे हैं। तो गवर्नमेंट की ये बड़ी नाकामी है, इन्होंने केवल ये क्या जो गढ़वाल निगम है यहाँ पे उनको जो ये वरीयता दे रखी है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये बिल्कुल यहाँ पे बड़ी महंगाई इन्होंने फैला रखी है। हमारी आम दुकानों पर 200 रुपये का खाना है और ये 250 रुपये का देते हैं और बड़ी लूटपाट इनके इनके यहाँ पे है। तो जब जब स्थानीय लोगों को इनके द्वारा कोई महत्व, मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।